शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र सरकार पर विधायकों की सुरक्षा वापस लेने का आरोप लगाया था, जिस पर गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सफाई देते हुए कहा है कि किसी की सुरक्षा वापस नहीं हटाई गई। उन्होंने कहा कि किसी भी विधायक की सुरक्षा नहीं हटाई गई और ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया गया है। शिवसेना के बागी विधायक के कार्यालय पर शिवसेना कार्यकर्ताओं के हमले के मामले पर बोलते हुए कहा है कि जिन विधायकों के यहाँ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने हमला किया है, उन लोगों के घरों की सुरक्षा देने की कार्रवाई स्थानीय पुलिस करेगी। आपको बता दें कि आज शिवसेना के बागी विधायकों के कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया था, जिसके बाद गृह मंत्री का ये बयान आया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने अपनी मेजोरिटी नहीं खोई हुई है, लिहाजा सरकार को फैसले लेने के पूरे अधिकार है, इसलिए सरकार को निर्णय लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो वही उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट पर बात करते हुए कहा कि संविधान के 10th शेड्यूल के मुताबिक किसी भी पार्टी के कोई विधायक अगर दल बदलना चाहते हैं तो उसकी अनुमति पहले हुआ करती थी, लेकिन जो संविधान के 10th शेड्यूल में बदलाव किया है उसके बाद यह मुमकिन नहीं है। इसके लिए उन्हें पार्टी को मर्ज करना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक अब यह बागी विधायक किस पार्टी में मर्ज करेंगे ये पता नहीं।